सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले सट्टा स्पोर क्रीम्स के बारे में। सट्टा स्पोर क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डलेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे यूज़ किया जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड्स करते हैं। तो सट्टा स्पोर क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं सट्टा स्पोर क्रीम, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी 117 यानी कि 117 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। सट्टा स्पोर क्रीम्स को इंतास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। सट्टा स्पोर क्रीम्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है सट्टाकोनाजोल्स नाइट्रेट्स 2% वेट बाय वेट्स, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डालेगा जिसका नाम है सट्टाकोनाजोल्स क्रीम्स। सट्टा स्पोर क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल स्तवसा में फंगल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस में किया जाता है, यानी कि सरल भाषा में बताए तो इसका इस्तेमाल अगर आपको बॉडी के कोई भी पास में आपको इचिंग्स या खुजली हो रही है या फिर रिंग वर्म टाइप हो गया है या फिर आपके हाथ है पैरों में कुछ रिंग वर्म टाइप या इचिंग्स वगैरह या फिर रैशेस टाइप हो गया है या फिर आपको पसीने की वजह से आपकी जांघों के नीचे रिंग वर्म टाइप या इचिंग्स या रैशेस वगैरह हो गया है या फिर आपको बार बार खुजली वगैरह हो रही है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि सट्टा स्पोर क्रीम्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके बॉडी की कोई भी पास में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पसीने की वजह से आपकी जांघों के नीचे इचिंग्स या कुजली या रिंगवर्म टाइप हो गया है या फिर आपको बार बार इचिंग्स वगैरह हो रही है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। सट्टा स्पोर क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो सट्टा स्पोर क्रीम्स को आप सुबह शाम सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे और रात को हाथ पैर धो के अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं और सट्टा स्पोर क्रीम्स को खाली अफेक्टेड एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं और सट्टा स्पोर क्रीम्स को हल्के हाथ से लगा के इसको छोड़ दें। सट्टा स्पोर क्रीम्स को यूज़ करने के पहले कोई मेडिकेटेड साबुन से अपने अफेक्टेड एरिया को धोएं, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सट्टा स्पोर क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि सट्टा स्पोर क्रीम्स हाउ टू वर्क। सट्टा स्पोर क्रीम्स के अंदर जो दवाई देती है यानी कि सट्टाकोनाजोल नाइट्रेट्स वो एक एंटी फंगल दवाई है। सट्टा स्पोर क्रीम्स फंगस की वृद्धि को रोकने का काम करता है, ये तवसा पर फंगी के सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके काम करता है। सट्टा स्पोर क्रीम्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और इसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सट्टाकोनाजोल क्रीम्स, ओनाबेट मैक्स क्रीम्स, टूसेट 2% क्रीम्स, एपिसेट क्रीम्स, मोनोगार्ड क्रीम्स, कैपेस ओनाबेट क्रीम्स या भी इसका मॉलिक्यूल होता है सट्टाकोनाजोल नाइट्रेट्स क्रीम्स आईपी 2% वेट बाय वेट्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और इजली कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। तो सट्टा स्पोर क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें, अपने मन से सट्टा स्पोर क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो सट्टा स्पोर क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल कर दीजिए। वापस बताएं सट्टा स्पोर क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।